बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडस्ट्रीज मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, कल जो पीएमएस का पेपर हो चुका है, स्क्रीनिंग टेस्ट, कल यानी 18/6/2021 को, इसके दो पार्ट्स मैं कल ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज इसका पार्ट 3 अपलोड करते हैं। आज का पार्ट भी इंग्लिश पोर्शन से है और इसके बाद मजीद पार्ट्स जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के होंगे, क्योंकि इस पेपर में तकरीबन 50 क्वेश्चन जो थे वो इंग्लिश एमसीक्यूज थे। पहले दो पार्ट जो हो चुके हैं उनकी लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर किसी दोस्त ने नहीं देखे तो उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 26 से। इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन जो है पहले वाले थोड़े से डिम है, लेकिन मैं पढ़ता जाऊंगा, आप देखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 26 कुछ इस तरह था, देखिए दोस्तों, दे कुड नॉट लेट, ठीक है, दे कुड नॉट लेट हिम टू कम इन आएगा, लेट हिम टू कम इन, इस तरह आई थिंक ऑप्शन पूरे सही तरह नजर नहीं, लेकिन इसी तरह एक ऑप्शन नजर आ रहा है, वो उसे अंदर आने नहीं दे सकता, देगा। दे कुल नॉट लेट हिम कम टू कम इन। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 27 जो है, द गन मैन डिमांडेड, 27 नंबर क्वेश्चन जो है ना, देखे जरा इसको, द गन मैन, ये वाला देखिए, द गन मैन डिमांडेड, आगे ब्लैंक स्पेस है तो इसमें लगेगा टू गिव हिम, ऑप्शन ए, द गन मैन डिमांडेड टू गिव हिम ऑल द मनी आई वॉज कैरिंग, मेरे पास जितना पैसा मैं लेके जा रहा था, तो बंदूक वाले शख्स ने मुतालबा किया कि वो तमाम पैसा मैं उसको दे दूं। द गन मैन डिमांडेड टू गिव हिम। क्वेश्चन नंबर 28 देखे, 28 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें एम्बिग्यूटी तो नहीं, लेकिन द स्काई लुक्स डार्क, द स्काई लुक्स डार्क बट आई थिंक इट विल क्लियर ऑफ, ओ डबल एफ शायद लग सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। आसमान पर अंधेरा दिखाई दे रहा है, लुक्स डार्क, लेकिन मेरे ख्याल में कि ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर ऑफ ओ डबल एफ, क्लियर ऑफ या सकता है क्लियर अवे शायद, इस तौर क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर करें, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29, द कैवलरी, कैवलरी सी ए वी ए एल आर वाई, कैवलरी घोड़ा सवार फौज को कहते हैं, चार्ज्ड एट द एनिमी, एट लगेगा इसमें, ऑप्शन बी, द कैवलरी चार्ज्ड एट द एनिमी। एंड क्वेश्चन नंबर 30 भी इसी तरह, इसमें थोड़ा सा, A few days went over, या इसमें देखे इस क्वेश्चन को, मेरे जहन में इसमें नहीं किस तरह में क्या लग सकता है, A few days went over, went away लगता है, या went by और went up, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा प्लीज आप चेक करें। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, 31 नंबर, आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट एनीथिंग यू डू, इसमें भी एट लगेगा, आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट, तो देखिए इसमें इसमें ऑप्शन नजर नहीं आ रहे था इस तरह, ठीक है दोस्तों, आई एम नॉट सरप्राइज्ड टू एनीथिंग यू डू इन ऑन, एट ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, एट लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 देखे, 32 नंबर, आई ऑफर हिम पार्ट टाइम वर्क बट ही टर्न इट ओवर, ही टर्न इट डाउन लगेगा, ही टर्न इट डाउन, ऑप्शन बी, आई ऑफर्ड हिम पार्ट टाइम वर्क बट ही टर्न इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन को देखे, द स्टूडेंट
होम आई स्पोक टू यू ऑन थर्सडे लगेगा, ऑन यस्टरडे स्पोक टू यू ऑन यस्टरडे, कल जिसने बात जिसके साथ मैंने आपके बात कराई थी, ठीक है, वन द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन, तो इसमें 33 नंबर में ऑन लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 34 नंबर, लुक अ कैट इज लाइंग, अ कैट इज लाइंग, इसमें लगेगा ऑन टॉप ऑफ द ऑफ टॉप ऑफ योर कार, ऑन टॉप ऑफ योर कार, ऑप्शन डी लगेगा इसमें, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन, आई हैव नो बुक्स पर ही परवीन हैवंट एनी, इसमें देखिए ईदर, एनी ईदर, ऑप्शन सी लगेगी इसमें। एनी इस पांच क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने चेक करना है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए अब कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े से इजी है, 36 नंबर क्वेश्चन को, 36, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ के माने है ऑप्शन डी देखे दिस वन, टू चेंज द हैबिट्स, टू चेंज द बैड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वन, इसका मतलब टू चेंज द बैड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 37 जो है, 37 नंबर, टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मतलब टू प्ले ट्रिक्स भी है, लेकिन यहां पर इसका कोई नहीं मानी, इसका मानी यहां पर जो है देखिए ऑप्शन सी है इसका करेक्ट ऑप्शन, टू बिहेव इमोरली, टू बिहेव इमोरली, टू प्ले ट्रिक्स, यही इसी का भी यही मानी बनता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन था, टू बी इन एबियंस, 38 नंबर क्वेश्चन, टू बी इन एबियंस, टू बी इन एबियंस के मानिए टू बी सस्पेंस, बंदा जो हैरान हो परेशान हो, टू बी इन सस्पेंस, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी देखे, डुअल माइंडेड, डुअल माइंडेड वो बंदा जो तो सस्पेंस में होता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। और 39 नंबर क्वेश्चन जो है, 39 नंबर क्वेश्चन, टू थ्रू डाउन द ग्लो, टू थ्रू डाउन द ग्लो का मानी है टू गिव अ चैलेंज, ऑप्शन बी देखे, टू गिव अ चैलेंज। एंड क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन जो था, टू स्पिल द बीन्स, टू स्पिल द बीन्स के माने राज अफशा कर देना, टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, टू स्पिल द बीन्स, फलियों को चीलना, तो इसका मतलब कि राज अफशा करना, टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन। और 41 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन था, टू थ्रू डस्ट इन वंस आई, किसी का आंखों में धुआं डालना, यानी किसी को धोखा देना, किसी को धोखा देना, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन तो देखे, टू डिसीव, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, टू डिसीव। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 42 को देखे, 42 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन है, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, प्लीज डोंट गेट मी इन हॉट वाटर, यानी मुझे मुसीबत में मत मुबतला करें, टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब है के मुसीबत में मुबतला होना, तो इसमें देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन टू गेट इनटू ट्रबल, ऑप्शन सी, टू गेट इनटू ट्रबल, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन को, टू सेव वंस फेस, अपनी इज्जत बचाना, टू ये सियासतदान जो है पॉलिटिशियंस ये लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सेव पेसिंग के लिए, टू सेव वन पे अपनी इज्जत को बचाना, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन देखे, टू अवॉइड डिसग्रेस, बेइज्जती से बचना, टू अवॉइड डिसग्रेस, तो इसका मतलब कि बेइज्जती से बचना,
और 44 नंबर क्वेश्चन जो है, 44 नंबर, टू फ्लग अ डेड हॉर्स, मुर्दा घोड़े को चाबक मारना, तो इस समय कि अपने वक्त को, अपने टाइम को फजूल जाया करना ऐसे काम में जिसका कोई फायदा ना हो, अपने वक्त को ऐसे काम में जाया करना जिसका कोई फायदा ना हो, तो ऑप्शन बी देखें, दिस वन, टू वेस्ट एनर्जी ऑन अ लॉस्ट कोर्स, अपना टाइम पजल काम में जाया करना। 45 नंबर क्वेश्चन को देखें, 45 नंबर क्वेश्चन, टू कीप द बॉल रोलिंग, टू कीप द बॉल रोलिंग, तो देखें ऑप्शन बी के, टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग, बात को जारी रखना, टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग। अब 5 क्वेश्चन जो है वो स्पेलिंग करेक्शन के हैं, स्पेलिंग करेक्शन के 5 क्वेश्चन है। 46 नंबर, एक्सिलरी, एक्सिलरी के माने हैं माविन के, तो इसमें देखिए एक्सिलरी के एक्चुअली स्पेलिंग है ए यू एक्स आई एल आई ए आर वाई, एक्सिलरी, एक्सिलरी। अब इसमें स्पेलिंग एक्सिलरी, एनी हाउ जो भी है मैंने आपको स्पेलिंग बता दिया वही उसकी स्पेलिंग है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 47 देखे, कोलिजन इत्तेहाद को कहते हैं, जो सियासी पार्टियां इत्तेहाद करते हैं ना, तो इसका स्पेलिंग है सी ओ ए एल आई टी आई ओ यू आई एन, कोलिजन, सी ओ ए एल आई टी आई ओ एन, इत्तेहाद, कोलिजन, तो इसमें भी करेक्ट ऑप्शन आई थिंक ऑप्शन सी कुछ नजर आ रहा है, बहरहाल यही स्पेलिंग है जो मैंने आपको बता दिए। और 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर वोल्यूमिनियस, 48 नंबर क्वेश्चन की इसके स्पेलिंग है वी ओ यू वी ओ एल यू एम आई एन ओ यू एस, और इसके मानी पेचीदा, ऑप्शन सी आई थिंक इसमें करेक्ट है, वोल्यूमिनस वोलू ये वाला इसमें करेक्ट स्पेलिंग है। और क्वेश्चन नंबर 49 जो है, 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, गारंटी, गारंटी, गारंटी को कहते हैं, और इसकी स्पेलिंग है जी यू ए आर ए एन टी डबल ई, गारंटी, इसमें करेक्ट स्पेलिंग आई थिंक ऑप्शन डी के लगते हैं, गारंटी। और आगे स्पेलिंग है 50 नंबर, कुछ 50 नंबर क्वेश्चन जो है, 50 नंबर क्वेश्चन नंबर 50, सब्सिस्टेंस रवादारी को कहते हैं, एस यू बी एस आई एस टी ई एन सी ई, सब्सिस्टेंस, तो इसमें देखिए ऑप्शन सी आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन। इसके साथ दोस्तों ये इंग्लिश पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चन है अब इजी है उसको बहुत जल्द हल करेंगे, तो इसको नेक्स्ट वीडियो पर छोड़ते हैं, आज के लिए इतना काफी है, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।